चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का शंखनाद होने जा रहा है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। इसी को लेकर रायपुर में सभी जिलों से पदयात्रा से संत समाज जुड़ेंगे। 18 फरवरी को चारों दिशाओं से विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में एक महीने में 700 किलोमीटर ये पैदल चलेंगे। 19 मार्च को रायपुर में विशाल धर्म सभा से इसका समापन होगा। तो धर्म सभा में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास इसे भेजने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। ये महत्वपूर्ण खबर है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आरएसएस उठाने जा रहा है और शंखनाद आज से होगा। रायपुर में सभी जिलों से पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें संत समाज बड़ी संख्या में जुड़ेगा। चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। दामिनी, ये महत्वपूर्ण कदम है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आरएसएस का। जी हाँ जया जी, ये जो एक तरह से ये यात्रा है, पद यात्रा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 फरवरी को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये पद यात्रा की शुरुआत होगी और राज्य के अलग अलग चार दिशाओं से ये पद यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। जिसमें आपको एक खास बात मैं बता दूँ, ये जो धार्मिक स्थान है प्रदेश में, उनके स्थानों के नाम पर ही इस पद यात्रा का नाम जो है वो रखा जाएगा। जिसमें महामाया पद यात्रा जो है वो पहला नाम रखा गया है, चंद्रहासिनी पद यात्रा रखा गया है, दंतेश्वरी माँ पद यात्रा रखा गया है और बमलेश्वरी पदयात्रा रखा गया है। तो ये चार दिशाओं से पदयात्रा जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें सभी संत व समाज प्रमुख जो है वो शामिल होने वाले हैं। 19 मार्च को इसका जो है समापन होगा, जिसमें धर्म सभा जो है वो आयोजित की जाएगी। इस दौरान जो है रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से राष्ट्रपति को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है वो भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं आरएसएस का ये बेहद ही बड़ा कार्यक्रम जो है वो प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ से होने जा रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आए दिन आरक्षण के साथ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जो जंग है वो छिड़ी रहती है, और ऐसे में आरएसएस के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाना ये बेहद ही खास माना जाएगा, क्योंकि जो 30 दिन की पदयात्रा होगी उसमें कहीं ना कहीं गांवों में से और जो कस्बे हैं वहां से निकलकर जो है संत और समाज प्रमुख जो है वो आने वाले हैं। तो इससे आने वाले समय में जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बड़ी पदयात्रा इसे मानी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो बेहद ही ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर आए दिन राजनीति जो है वो होती रहती है और लगातार छत्तीसगढ़ से भी इसे शुरू करना, इसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। दामिनी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक अभियान शुरू होने जा रहा है। देश भर के संत चारों दिशाओं से 18 फरवरी को पदयात्रा करेंगे। रायपुर में धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण खबर है और 19 मार्च को धर्मसभा के रूप में इस यात्रा का समापन होगा।